नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के अध्याय 2 और श्लोक 51 से आरंभ करेंगे। साधु संजीनी तो आरंभ करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते नामयम्। कारण की समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वह मेधावी है, बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक काम कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। समतायुक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग द्वेष, कामना वासना ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते, अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। इसलिए पदम गच्छत्य नामयम का इसमें उपयोग किया गया है। समतायुक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद के नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्वगुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्वगुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार में भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है, परंतु जब यह शरीर के साथ मानवीय संबंध को त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धियुक्त और मनीषण पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सबके सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। इसका परिशिष्ट भाव है कर्मों में योग अर्थात समता ही कुशलता क्यों है। इसका कारण ही पद से इस श्लोकों में बताते हैं। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजसी कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। इन तीनों प्रकार के फलों का समतायुक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर सुखी दुखी ना होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। पूर्व श्लोक के अनुसार समतापूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है। अब पदम गच्छत्य नामयम गच्छन्ति के
तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान होना, दूसरा गमन करना और तीसरा प्राप्त होना। यह निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है, जन्म मरण से रहित पने का और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। कारण की नित्य निवृत्ति ही की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति कर्म क्या है, इसे आगे के दो श्लोकों में बताते हैं। यदा ते मोहक नीलम बुद्धिव्यर्थी तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। शरीर में अहंता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहंता ममता है नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्गिन्न होना, संसार में परिवार में विषमता पक्षपात मातस्य आदि विकार होना, यह सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोहरूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और फिर उसे कुछ सूझता नहीं। यह स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहंता ममता के कारण उनके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में यह जिन जिन चीज़ों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीज़ें इसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। प्रत्युत यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिल लगी आदि में अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही इसकी बुद्धि का मोहरूपी करिल में यानी दलदल में फंसना है। हमें शरीर में अहंता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है। इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति अर्थात कल्याण से वंचित थोड़ा ही रहना है। हमें तो इनमें ना फंसकर अपना कल्याण करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोहरूपी दलदल से तरना है। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं, संसार में चिपकेगी नहीं। मोहरूपी कलिल से तरने के दो उपाय हैं, विवेक और सेवा। विवेक, जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक में तक हुआ है, यह तेज होता है तो वह असत विषयों से अरुचि करा देता है। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, नौकर की मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है, तो उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाए तो उसकी अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोग इच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है, कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ ना हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्राय उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव दृढ़ हो जाता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है। अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ, सुगम एवं जल्दी सिद्धि देने वाला बताया है। मनुष्य जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ पद के अंतर्गत है।
स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं वे सब भोग यहाँ इसी पद के अंतर्गत है। जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को तर जाएगी तब इन अलौकिक और परलौकिक भोगों से विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोहकनिल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वहीं रहता हूँ, अतः इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रोतव्य जितने विषय हैं उन सबसे स्वत वैराग्य हो जाता है। यहाँ भगवान को श्रुत के स्थान पर भुक्त और श्रोतव्य के स्थान पर भोक्तव्य कहना चाहिए था, परंतु ऐसा ना कहकर कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो परोक्ष अपरोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वह सुनने से ही होता है, अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार से विषयों से छूटने के लिए जहां ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है वहां भी श्रवण को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने में सुनना ही मुख्य है। यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और श्रोतव्य विषयों से इतने में वर्षों में इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोहकलिल को तर जाएगी उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से भोगों से वैराग्य हो जाएगा, इसमें कोई देरी का काम नहीं है। तो ये आज हमने अध्याय दो के श्लोका 51 और 52 की व्याख्या की। इसके बाद हम अगले पाठ में श्लोका 53 अध्याय 2 से आरंभ करेंगे।